हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी। वेलकम टू द कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल। गाइस, आप सभी के साथ एक सी कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करनी है, लाइक किस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ बेसिकली। क्योंकि जब एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस हो जाती हैं और जब एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं, तो काफ़ी बच्चों के मन में डाउट्स हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल उनको अभी भी डाउट है कि किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से चीज़ें मैनेज हो पाएंगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जितना भी मैंने इस तैयारी के दौरान चीज़ें सीखी और किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया, जो चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट की। कि जब मैंने एग्जामिनेशन दिया था फर्स्ट टाइम पे, मेरा नेट भी नहीं हुआ था, ठीक है, और बहुत कम मार्क्स आए थे, आई स्कोर्ड जस्ट 168 मार्क्स। तो फिर उस तरीके में क्या चेंजेस मैंने लेके आए, क्या क्या चीज़ें चेंज की जिसने मुझे हेल्प किया कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपनी जो भी नॉलेज है वो शेयर कर पा रही हूँ। तो कैसे ये सारी चीज़ें हुई, कैसे मैं मैनेज कर पाई GRF क्रैक करना, क्योंकि आसान तो नहीं था कि किस तरीके से आप टॉप 6% कैंडिडेट्स में आते हैं एंड फिर उन टॉप 6% में से भी टॉप 1% कैंडिडेट्स का पार्ट बनते हो। तो ये जर्नी आपको जो तय करनी है, उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होती हैं। तो किस तरीके से मैंने चेंजेस लाए अपनी प्रिपरेशन में, कैसे ओवर किया मैंने फेलियर, और कैसे अपना जो एम था, जो टारगेट डिसाइड किया था कि GRF क्लियर करना है, उसको पूरा किया। तो बात करेंगे, स्टार्टिंग से ही बताती हूँ कि इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो व्हेन आई वाज इन माय बैचलर्स, तो ये बहुत क्लियर था कि मुझे इस पर्टिकुलर लाइन में ही जाना है, टीचिंग में ही जाना है, GRF करना है, क्लियर करना है, देन उसके बाद मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, और उस तरीके से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करके और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँगी। ये सारी चीज़ें थी। जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, तो कोविड का टाइम था, तो आई हैव एनफ टाइम जिसमें मैं प्रिपेयर कर सकती थी। काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर रही थी, पेपर वन भी काफ़ी अच्छे से पढ़ रही थी, रेगुलरली पढ़ती थी, पेपर टू भी पढ़ रही थी, बट कुछ ना कुछ कमी रह रही थी, जिस वजह से कुछ ना कुछ अपना ही चीज़ें होती है ना, हम क्रिएट कर लेते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर यूनिट तो मेरे से होने नहीं वाली है, कैसे करेंगे। और कभी कभी हमें होता है कि बहुत सारा करने के चक्कर में हम जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो वही सेम चीज़ें मेरे साथ हो रही थी कि कैसे होगा, इतना थोड़ा समय है, अभी पेपर मॉक टेस्ट भी लगाने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कंटेंट भी पूरा नहीं हो रहा। एक डाउट हमेशा रहता है कि पेपर वन तो कभी पूरा ही नहीं होता है, तो वो कभी पूरा होगा भी नहीं। आपके लिए जो स्कोरिंग पेपर रहता है वो पेपर टू रहता है। पेपर टू आप जितना अच्छे से कवर कर सकते हो, और पेपर टू कवर हो भी जाएगा, ठीक है, पेपर वन कभी भी आप कवर नहीं कर सकते हो। पेपर वन इतना ज़्यादा वाइड है, आप जितनी क्लास देखोगे उतने ही अलग अलग कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और आज के टाइम पे इतना ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, पेपर वन बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, और ये होना लाजमी है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि किस तरीके से पेपर टू में आप कमांड कर सकते हो। जो चीज़ें मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यही चीज़ें गड़बड़ की थी, पेपर वन में किसी भी क्लास में गए, कुछ ना कुछ न्यू टॉपिक देखने को मिल रहा है, तो वही कर लेते हैं, उसी के लिए प्रिपेयर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। ये चीज़ मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में रियलाइज़ की, और ये चीज़ मैंने कब रियलाइज़ की, जब मैं पेपर दे रही थी एक्चुअल में। तो कुछ चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जो आपको पता होती हैं, बट स्टिल आप कुछ एडवांस चीज़ें करने के चक्कर में वो चीज़ें छोड़ देते हो, और वही चीज़ें आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं जो बेसिक्स हैं। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे रियलाइज़ की जब मैं एग्जामिनेशन दे रही थी ना, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी कि हाँ, मैंने ये गलतियाँ की हैं, बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में मैंने वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो मुझे करनी चाहिए थी, वो भी मैं कहीं ना कहीं लैक कर रही हूँ। तो यही सारी चीज़ें, अब सेकेंड अटैम्प्ट जब था, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें मैं सीख रही हूँ, इन पर काम कर रही हूँ, बट सिचुएशन सेम ऐसी नहीं रहती हैं। जैसे आप फर्स्ट अटैम्प्ट में, आपके पास टाइम होता है, सभी तरीके से आपको फोकस करना है जस्ट एग्जामिनेशन पे, ठीक है, आपको फ्रीडम दी जाती है कि आप अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करिए, बट सेकंड अटेम्प्ट में चीज़ें ऐसी नहीं रहती हैं। जो भी रिपीटर्स होंगे वो चीज़ ये समझ सकते हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आपको खुद लगता है कि मैं ये पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो आगे भी क्या चांसेस रहेंगे, क्या ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, वो सारे डाउट्स आपके माइंड में चलते हैं। और भी सिचुएशंस होती हैं, आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां पे आपको अर्न करना स्टार्ट कर देना है, तो काफ़ी बच्चों के मन में ये चीज़ भी आती है कि अभी तक मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ या पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे अर्न करना है, मुझे एक जॉब लेनी है, वो सारी चीज़ें भी आपके माइंड में चलती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, तो किस तरीके से इन चीज़ों को फेस करना है, किस तरीके से इनसे बाहर निकलना है, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मैंने अप्लाई की अपनी प्रिपरेशन में,
मुझे ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि मुझे ये एग्जामिनेशन ही देना है और इसी एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, इसी लाइन में अपना करियर बनाना है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी हमेशा, कि जब भी कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, बट जब मैं पढ़ने बैठती थी ना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें साइड हो जाती थी, ऑटोमेटिकली मेरा मन और ज़्यादा पढ़ाई में लगता था, और ज़्यादा अच्छे से मैं पढ़ती थी। और इस पर मैं ये मेक श्योर कर रही थी, पेपर वन और पेपर टू को स्मार्टली मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं देखना इतना ज़्यादा, मुझे नहीं चीज़ें मगअप करना अपने माइंड में कि ये भी करना है ये भी करना है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही पेपर वन को तैयार किया, और पेपर टू कॉमर्स है जैसे कि मेरा पेपर टू, तो पेपर टू को ध्यान में रखते हुए पेपर वन के टॉपिक्स डिसाइड किए। जो एडवांस टॉपिक बन रहे हैं वो मैंने ये देखा कि क्या मेरे पेपर टू में वो टॉपिक्स हैं, कहीं ना कहीं आपको पेपर टू से रिलेट करते हुए टॉपिक मिलेंगे पेपर वन के, तो वो टॉपिक्स आपको पकड़ने और अच्छे से उन पर कमांड बिठानी है। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, और कैसे एक फेलियर से ऑल इंडिया रैंकर बनने तक का सफ़र ये रहा। मैं बूस्ट नहीं कर रही कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 57 आया है क्या रहा है, बट एक अलग खुशी होती है जब आप इन सारी चीज़ों को, हर्डल्स को साइड करके अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर लेते हो। आपके अंदर, सबके अंदर ये पोटेंशियल है, हर एक स्टूडेंट के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ कमी कहाँ रह जाती है, अप्रोच में। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को स्ट्रेस आ रहा होगा कि अभी एग्जामिनेशन है, कैसे करें चीज़ें, ठीक है बहुत जल्दी एग्जामिनेशन आने वाला है, 20 से 25 दिन है। बट उन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ये तैयारी कर रहे होंगे कि अब मेरे पास सिर्फ 25 दिन है अपने आप को प्रूव करने के लिए, इन 25 दिन के बाद मुझे एग्जामिनेशन देना है, एग्जामिनेशन देके उसको क्लियर करना है और अपना जो टारगेट है वो पूरा कर लेना है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या अप्रोच यूज़ करते हो, क्या आप स्ट्रेस बढ़ाने वाले हो इससे, या आप उस स्ट्रेस को पॉजिटिवली यूज़ करके अपना जो एम है उसको पूरा करना चाहते हो। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। पढ़ते हम सब हैं, बहुत अच्छे से हम पढ़ते हैं। अगर आपको और भी डाउट आ रहे हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन आप पढ़ते हो बट टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इन पे थोड़ा थोड़ा काम करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि पेपर में पेपर बहुत लेंदी मिलेगा आपको, पेपर लेंदी मिलेगा तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो आपको रीडिंग हैबिट तो बढ़ानी पड़ेगी, बट उसके साथ साथ जो आपने पढ़ा है ना, उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती हैं, और वो है कि आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं टुवर्ड्स योर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब पढ़ाई करना नहीं है, प्रिपरेशन का मतलब है कि आपको अपने आप को उन 3 आर्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है जो आप परफॉर्म करोगे उन 3 आर्ट्स में। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उसके लिए एक सेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको गो थ्रू होना है। सिलेबस कवर करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो। एक डाउट आ रहा था अभी कुछ दिन पहले, मैं एक वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था कि मैम अभी तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है तो किस तरीके से मॉक टेस्ट लगाए जाएँ। देखिए ये चीज़ बहुत क्लियर है, आपका कभी भी 100% सिलेबस कवर नहीं होगा। कॉमर्स इज़ वेरी वास्ट, पेपर वन भी बहुत वास्ट है, तो अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे, क्वेश्चन लगाने हैं आपको। जितना आप सिलेबस से कवर कर चुके हो उतना आपके नोट्स में है, नोट्स को रिवाइज करिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में जो भी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं उनकी हेल्प से नोट्स में उनको ऐड ऑन करके फिर दोबारा रिवाइज करिए, इसी तरीके से आपका सिलेबस कवर होगा। अदरवाइज आप अगर जाओगे सिलेबस कवर करने कि पहले सिलेबस कवर कर लेते हैं फिर रिविजन करेंगे फिर मॉक टेस्ट देंगे, तो इतना तो समय आपको कभी मिलेगा ही नहीं, हर 6 महीने बाद एग्जामिनेशन फिर आ जाएगा। तो अगर आप बार बार यही प्रोसेस को दोहराते रहोगे कि सिलेबस कवर करना है, सिलेबस कवर करना है, वो सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। एक बार जितना पढ़ लिया उसको रखो कि हाँ मुझे इतना पढ़ना है और इतना मैंने पढ़ लिया है, उसको अब रिवाइज करने की बारी है। बार बार रिवाइज करो, कुछ न्यू टॉपिक्स मिलते हैं पढ़े हुए टॉपिक्स में से उनको ऐड ऑन करो, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हो ना उसको आपको 100% पढ़ना है। जो आप नहीं पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ रहे हो या अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको एज इट इज़ रहने दो। क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं तो आप प्रिपेयर अच्छे से कर रहे हो। प्रिपेयर होना है आपको एग्जामिनेशन के लिए, आपको पढ़ाई नहीं करनी है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपको इसकी डिमांड क्या है वो समझनी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। थोड़ा सा स्मार्टली आपको चीज़ें लेके चलनी होंगी और ये तरीके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। मेरे लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, पेपर के लिए आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है, जो इसका पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए चलना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी किस तरीके से आपको पढ़ना है। और आपके लिए JRF अड्डा की तरफ से टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च हो चुकी है, अगर आपको मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस मॉक टेस्ट को लगाइए। मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे तो आपकी एक रेगुलरिटी बनेगी, किस तरीके से आपको 150 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, सॉल्व करने हैं 3 आर्ट्स में, और जब वो रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो एक हैबिट बन जाएगी जो आपको अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्जामिनेशन में।
थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट्स आपके रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, एंड इस बार JRF क्रैक करना ही है। थैंक यू सो मच।